हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि ये कैसे रेगुलेट करता है पोल्यूशन इंडिया के अंदर। तो क्वेश्चन जो है आपको गुली बाबा की बुक में मिल जाएगा। ये पेज नंबर है आपका 322, चैप्टर 6 है गुली बाबा के अकॉर्डिंग, और ब्लॉक ये आपकी 6 है अगर आप इग्नू की बुक से तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? आईज़ और ईयर है सिटीजन को, आर द आईज़ एंड ईयर ऑफ द सिटीजन्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल पोल्यूशन। जो क्या करते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। एवरी स्टेट है इट्स ऑन पीसीबी, हर स्टेट का एक अपना पीसीबी होता है, मींस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वाइल देयर इज़ अ वन एट द सेंटर, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच इज़ द एपेक्स बॉडी। तो हर स्टेट का होता है और सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है जो एपेक्स बॉडी कहलाता है पोल्यूशन रिलेटेड मैटर्स में पूरी कंट्री में। और जो मेन फंक्शन है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वो क्या है? क्वालिटी इम्प्रूव करना, एयर की डे बाय डे जो है पोल्यूशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, और दिल्ली में तो कुछ खासकर ही ज़्यादा जो है पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। प्रमोट करना क्लीननेस ऑफ वाटर बॉडीज़ और पोल्यूशन को प्रिवेंट करना। अब इसमें क्या क्या है? एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। तो क्या क्या काम करता है पीसीबी? गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, ठीक है, कि कैसे पोल्यूशन से कंट्रोल किया जा सकता है। कैरी आउट एनकरेज इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू पोल्यूशन प्रॉब्लम। तो क्या क्या देखना और कि भाई पोल्यूशन जो प्रॉब्लम है उससे कैसे बाहर निकल सकें, ठीक है, उन पर इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च करना कि भाई पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। प्लान एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पर्सन इन्वॉल्व इन प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। तो जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको प्रोवाइड कराना। ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रिगार्डिंग पोल्यूशन कंट्रोल। तो मास मीडिया के थ्रू क्या ऑर्गेनाइज कराना, बड़े बड़े प्रोग्राम जिसके किसके रिगार्डिंग पोल्यूशन कंट्रोल के। कलेक्ट कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा मैनुअल कोड एंड गाइड्स। तो क्या क्या करना कि भाई जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, ठीक है, टेक्निकल हो स्टैटिस्टिकल हो, उसको पब्लिश करना, कलेक्ट करना, ठीक है, कि भाई पोल्यूशन कितना हो रहा है, कहाँ पर कितना है। इस्टेब्लिश और रिकोगनाइज लेबॉरटरीज फॉर एनालाइजिंग पोल्यूशन पैरामीटर्स। तो जो लेबॉरटरीज हैं भाई, जहाँ से पता लगता है कि भाई पोल्यूशन का जो पैरामीटर है वो कितना होना चाहिए, तो वो इस्टेब्लिश करना लेबॉरटरीज। एडवाइज द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द सुटेबिलिटी ऑफ एनी साइट फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि भाई ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री कहाँ होनी चाहिए जिससे पोल्यूशन जो है उससे आम जनता को इफेक्ट ना करे। तो गवर्नमेंट को एडवाइज़ करना उसके लिए। इशू एनवायरमेंटल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना किसको, इंडस्ट्रीज़ को, भाई जिससे पोल्यूशन ना हो ज़्यादा। इंस्पेक्ट एंड रिव्यू सेवेज और इंडस्ट्रियल इफेलेंट ट्रीटमेंट प्लांट एंड टू ग्रांट कॉन्सेंट। और किनको इंस्पेक्ट करना या रिव्यू करना, जो इंडस्ट्रियल है भाई, जहाँ से कूड़ा कचरा ये सब निकलता है, पोल्यूशन निकल रहा है, तो उनकी इंस्पेक्शन करना। प्रिस्क्राइब एफिलेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ रिसीविंग वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ एफिलेंट्स। और क्या प्रिस्क्राइब करना कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए वो इवॉल्व इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट यूटिलाइजेशन डिस्पोजल ऑफ सेवेज एंड इंडस्ट्रियल एफिलेंट विद रिगार्ड टू सॉइल क्लाइमेट एंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ रीजन अंडर कंसिडरेशन। और क्या बताना कि भाई सही मेथड उनको बताना, ठीक है, किसके लिए, कि भाई जो कूड़ा कचरा निकल रहा है इंडस्ट्रियल वेट से, कि भाई जिससे जो हमारा क्लाइमेट, हमारी सोइल है, ये सब जो है वो ख़राब ना हो। इंस्पेक्ट करना एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया टू असेस द क्वालिटी ऑफ एयर, ठीक है, कि भाई क्वालिटी ऑफ एयर कैसी है वहाँ पे, तो उसको इंस्पेक्ट करना, उसके लिए स्टेप्स बताना है प्रिवेंशन के, कि भाई आप कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ एयर एंड एमिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इन टू द एटमोसफेयर टू फ्रेम रूल एंड, वही बार बार आ रहा है कि क्वालिटी ऑफ एयर को सही करने के लिए, और जो पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं चाहे इंडस्ट्री से हो, व्हीकल से हो, तो उनके लिए रूल और रेगुलेशन बनाना ताकि जो क्वालिटी है एनवायरनमेंट की वो इम्प्रूव हो सके। लास्ट है हमारे ये 3 पॉइंट, रेगुलेट और कंट्रोल करना नॉइस प्रोड्यूसिंग एंड जनरेटिंग सोर्सेज। सिर्फ वाटर और एयर पोल्यूशन ही, नॉइस पोल्यूशन भी नुकसान करता है, तो उसको भी कंट्रोल करना।
मॉनिटर करना जो स्टैंडर्ड रिगार्डिंग जो है ग्राउंड वाटर है, एम्बियंट एयर है, लिक्विड क्वालिटी है, कंपोस्ट क्वालिटी, तो ये सब को भी मॉनिटर करना। और लास्ट है हमारा क्लोज डाउन डिफॉल्टिंग इंडस्ट्री प्लांट और विड्रॉ इट्स सप्लाई ऑफ पावर और वाटर। ठीक है, जो डिफॉल्टिंग इंडस्ट्री प्लांट है उन्हें बंद कर देना, या फिर उनको पावर की या वाटर की सप्लाई उनसे उनको नहीं देना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।